लाइगर के फ्लॉप होने के बाद जहां करण जौहर अपनी नेक्स्ट फिल्म पर लग गए हैं, यानी कि ब्रह्मास्त्र पर उनका फोकस है, वहीं लाइगर से बर्बाद हो चुके हैं विजय देवरकोंडा। विजय देवरकोंडा को लेकर खबर जो आ रही है वो उनके फैंस के लिए अच्छी नहीं है। कहा जा रहा है कि लाइगर के फ्लॉप हो जाने के बाद विजय देवरकोंडा को बड़ा झटका लगा है। अब उनकी एक और फिल्म है जो डब्बा बंद होती नजर आ रही है। लाइगर के बाद विजय देवरकोंडा जनगण मन मूवी करने वाले थे। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि इस मूवी में अब स्क्रिप्ट में चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि फिल्म ही डब्बा बंद हो गई है, फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई है, अभी के लिए इस फिल्म पर काम चलना बंद हो गया है। फिल्म लाइगर से मेकर्स को भारी नुकसान हुआ है और ऐसे में विजय देवरकोंडा की मार्केट प्राइस भी बहुत घट गई है। इसी बीच ये भी खबर आई कि विजय देवरकोंडा लाइगर से हुए नुकसान में कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी तरफ से 6 करोड़ रुपए, वो कंपनसेशन देंगे। जनगण मन विजय देवरकोंडा का जो प्रोजेक्ट था उसमें भी उनके साथ पूरी जगन्नाथ ही थे और जो फिल्म लाइगर थी उसके डायरेक्टर भी पूरी जगन्नाथ ही थे। लाइगर के फ्लॉप होने के बाद ही विजय देवरकोंडा और सारी टीम ने ये फैसला लिया कि अब जनगणमन पर काम नहीं होगा।